टोपी है ना सबूत लेकर बड़े कॉलेज के लिए इस नारे की शदीद जरूरत है। अब अगर हमारे बिहारी भाइयों बहनों में साथियों में इतिहाद हुआ तो इस वक्त तक ये मसाइल चल रहे हैं 1971 से शुरू हुए हैं 50 साल इनको अब तक हल हो जाना चाहिए था, हल तो नहीं हुए कि इतिहाद नहीं, हल तो नहीं हुए कि तंजीम नहीं, हल तो नहीं हुए कि यकीन मोहकम को हम पीछे छोड़ा। अभी आफ्ताब साहब जो हमारे इलाके के चले हैं एक तरह से मेरे भाई की तरह, आज अपने इंतखाब के 3 साल बाद फरमाते हैं कि आप एक लिस्ट तो बना लीजिए कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनके पास आपके कार्ड आए, कौन कौन से लोग हैं जिनको अब तक पाकिस्तानिया नहीं मिली। सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अब इंतखाबात नजदीक हैं, 2 साल रहते हैं, आपका एक मुसम्मम इरादा होना चाहिए कि हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो इस वक्त पार्लियामान में है, लोकसभा असेंबली में है, वोट नहीं देना जब तक कि वो जितनी देर ऑफिस में है वही 2 साल और उसके बाद भी इस बात के लिए एक सॉलिड एग्रीमेंट हमारे साथ रखना पड़ेगा कि वो तमाम लोग जिनका इब्तदाई ताल्लुक बिहार से है, वो तमाम लोग जो 1971 इस आने के बाद कराची आ गए थे, जब तक उनको शहरिया के नाम मिले, जब तक उनको सेनाई से ना मिले, उस वक्त तक हमसे ये कहना आपके लिए बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होगा कि हम आपको या आपकी सियासी पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये वो वक्त है कि आप अपने हुकूक को मनवा सकते हैं। मुझे अभी यकीन पता नहीं कि यहां से कितनी एनए की चीटें निकलती हैं और कितनी सुबह निकलती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंट तादाद है इसके
और यकीनन जैसे कि आपको पता है पीटीआई की पंजाब में कमजोर पड़ रही है, और अगर उन्होंने आगे हुकूमत बनानी है तो उन्हें फिर आप जैसी एंटिटीज का सहारा लेना जरूरी पड़ रहा है।